हाय फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं छोले। चलिए हम ये मटर और आलू को कुकर में डालेंगे। देखिए हम कुकर में डाल दिए मटर आलू को, इसमें हम पानी डालेंगे। और इसमें हम पानी डालते हैं, अब कुकर में बंद करके अब हम कुकर को बंद करके गैस पे बैठाएंगे। चलिए दिखाते हैं। देखिए अब हम गैस पे बैठा दिए हैं, दो सीटी इसको लगाएंगे। दो सीटी लग जाएगा तो हम कुकर को गैस से नीचे उतार देंगे। देखिए फ्रेंड, हम मटर को उबाल लिए हैं, ये आलू को उबाल कर फोड़ दिए हैं, ये प्याज है, दो प्याज काट लिए हैं, ये जीरा मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट, ये टमाटर का पेस्ट, ये हल्दी पाउडर है, ये मिक्स मसाला, जीरा मिर्च, दो तेज पत्ता है, दो लाल मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर है। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। देखिए अब गैस पे हम पतीले को रखेंगे। पतीले को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, तब इसमें हम तेल डालेंगे। देखिए हमारा पतीला गर्म हो गया है, इसमें हम तेल डालेंगे। इसमें अब हम तेल डाल दिए, तेल को भी गर्म होने देंगे। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें अब हम डालेंगे जीरा। दो तेज पत्ता, लाल मिर्च, चलाएंगे। अब इसमें प्याज डालेंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे प्याज को। देखिए इसको हमको बार बार चलाना है, हमारा प्याज जले ना। देखिए हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन जीरा मिर्च का पेस्ट। हम डालेंगे ये मसाले। मसाले थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। मसाले को भी फ्राई करेंगे 5 मिनट तक, और इसको हम ढकते रहेंगे। चलिए देखिए इसमें अब हम टमाटर डालेंगे।
इसको भी फ्राई करेंगे इसी में। इसको हम बार बार चलाते रहेंगे कि हमारा मसाला चिपके ना पतीले में। चलिए देखते हैं हमारा मसाला ये फ्राई हो चुका है नहीं। देखिए देखिए हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम आलू डालेंगे। आलू को हम तोड़ लिए थे। इसमें हम आलू डाल के आलू को मिक्स करेंगे इसी में। तब इसमें हम मटर डालेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए इसको हम मिला मसाले मिक्स कर दे रहे हैं सब मटर आलू को। देखिए हम मिक्स कर दिए मसाले मटर में। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसमें हम नमक डाल दिए। इसको भी इसी में मिक्स करके इसमें 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ऐसे ही। देखिए हम नमक भी मिक्स कर लिए इसमें। अब इसको हम 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे ढक के। चलिए अब देखते हैं हमारे 5 मिनट हो गए। देखिए इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। देखिए अब इसमें हम थोड़ा धनिया पत्ता डाल देंगे। अब इसको भी 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे ढक के। देखिए अब इसको हम ढक दे रहे हैं। अब हम इसको 8 से 10 मिनट के बाद देखते हैं। चलिए ये आपको वीडियो पसंद आता होगा तो आप भी बनाकर एक बार ट्राई करें। बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। चलिए अब देखते हैं हमारा छोला हुआ है या नहीं। 10 मिनट हो चुका है। देखिए हमारा छोला हो चुका है। अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे। इसको हम प्लेट में सर्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा छोला बहुत टेस्टी बना है। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है इसका। आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब हम मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।